कि चाहे नंगा फोटो बनाया, चाहे मोदी जी के साथ सेक्स वाला फोटो बनाया, मैं डरी नहीं। फोटो जिहाद के बाद एक पोर्न वीडियो जिहाद चला, ये सुसाइड तक मुझे करवा सकती थी और लगभग मैंने मन बना भी लिया था। इंटरनेट से निकाल करके और बहुत भारी मन से कोशिश किया कि मैं कुछ दृश्य छुपा दूं, कहीं पे अपना चेहरा लगा दूं, कहीं पे लोगो लगा दूं, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे आज भी देखोगे यूट्यूब पे, आपको ऐसी ऐसी सैकड़ों तस्वीरें मिलेंगी। आज आंसू दो बात के लिए है, वो पिता इंसाफ का इंतजार करके चला गया। दीदी मैं नहीं चाह रहा था कि ये चीजें मैं आपके सामने चैनल पे दिखाऊं, लेकिन क्या करूं, कड़वा दिखाना पड़ेगा ताकि लोग समझे अपने सगे बेटे को एक माँ के लिए क्या बीतती होगी जब वो अपनी कोख से जन्मे हुए अपने पुत्र को बोलती होगी कि बेटा एक नई क्लिप और डाली है रात को, उसको भी निकालो। लेकिन अगर हमारे रहते हुए इस केस में बहन का चेन तो छोड़ो, एक अंगूठी भी बिक गई ना दीपक भाई, तो हमारे पे लानत है। और गारंटी है दीदी, चेन तो बहुत बड़ी बात हो गई, पैर की उंगली का बिछुआ नहीं बिकने देंगे अब। जो साथ दिया उसके वो भी मेरे लिए सनातनी प्राण सक्रिय है, जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए प्राण सक्रिय है। उसके बाद मेरे ऊपर मीडिया जिहाद चला, यानी हर मीडिया से दंगाई दीदी रागिनी तिवारी गिरफ्तार कर, रागिनी तिवारी गिरफ्तार कर, मीडिया जिहाद के बाद फोटो जिहाद चला। फोटो जिहाद के बाद एक पोर्न वीडियो जिहाद चला, ये सुसाइड तक मुझे करवा सकती थी और लगभग मैंने मन बना भी लिया था। तो मेरा मन विचलित हुआ तो मैं यहाँ से चली गई दुकान में, मैं सोची रेड किलर खरीद के ले आऊंगी और मैं खा लूंगी। बेटी को सारा चीज समझा दी, इस नाना जी के लॉकर में नौमी में मेरा नाम है, वहां इतना जेवर है, यहाँ उतना जेवर, मैं सब समझा दी। 3 महीना तमाम प्रूफ दी, रोती रही SHO को पकड़ के, लेकिन SHO ने मेरा कुछ भी नहीं सुना। और मुझे नहीं पता ये पूर्व जन्म की तपस्या का फल है या मेरे सतीवर्ता धर्म का फल है या आप लोग जैसा भाई के सहयोग का फल है। मैं ये बता रहा हूँ दीदी, मेरे को 2020 में उत्तर प्रदेश के किसी बहुत वरिष्ठ अधिकारी के परिवार से फोन आया है, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ, हम कैमरे पे नाम नहीं बताएंगे, दीपक भाई काफी वरिष्ठ अधिकारी, उनके परिवार से फोन आता है मेरे को किसी महिला का, और वो मेरे को वो एक क्लिप भेजते हैं व्हाट्सएप पे और बताते हैं कि ये दिल्ली की जो रागिनी तिवारी जी हैं उनका एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है शुभम भाई, इसको कैसे रोक सकते हैं। इंटरनेट से निकाल करके और बहुत भारी मन से कोशिश किया कि मैं कुछ दृश्य छुपा दूं, कहीं पे अपना चेहरा लगा दूं, कहीं पे लोगो लगा दूं, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे आज भी देखोगे यूट्यूब पे, आपको ऐसी ऐसी सैकड़ों तस्वीरें मिलेंगी। मुझे सबसे ज्यादा, पति तो मेरे एकदम देवता है जैसा आप लोग जानते हैं, विनोद भी जानता है सबको, बहुत हीरा, वो उनका वही जिहादी दोस्त था, तो तब वो गुजरात में थे, तो वो बोला ये रही तुम्हारी पत्नी, तो एक चाटा उसको दिए और बोले जो तुम क्या जानते हो मेरे पत्नी के बारे में, मेरी पत्नी आग है, अब उसको जो छुएगा वो जल जाएगा। हाँ, मुझे अक्वाट तब लगा जब मुझे ज्यादा मोबाइल में कुछ आता नहीं, आपको पता है, तो मैं एक एक डाउनलोड स्क्रीनशॉट करने के लिए अपने बेटा को देती थी। तो ये मुझे, मेरे लिए वो समय बड़ा कठिन होता था, एक एक लिंक देना, वो सब देख रहा है और बना रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा कठिन था वो समय। आज आंसू दो बात के लिए है, वो पिता इंसाफ का इंतजार करके चला गया। शायद आपको पता होगा मुझे हाई कोर्ट जाने का सलाह, इसको हाई कोर्ट में क्यों नहीं तुम लेके जा रहे हो, वो हाई कोर्ट का सलाह वही दिए थे मुझे, और जितना वो मुझे सलाह दिए मैं की, मानवाधिकार का भी वही सलाह मुझे दिए थे कि यहाँ से नहीं सुनता है तो मानवाधिकार जाओ, मानवाधिकार से टंगवा। आपको मैं अभी पंद्रह दिन पहले का एक घटना अपने साथ बता रही हूँ, ये रागिनी तिवारी के त्याग को अपवाद बना देना, चाहे नंगा फोटो बनाया,
चाहे मोदी जी के साथ सेक्स वाला फोटो बनाया, मैं डरी नहीं और मैं डरूंगी नहीं। इस वीररस भरे इस उद्बोधन को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं आपके शब्द शब्द से हमारी छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी बच्चियों और जितने यहाँ पे और लोग देख रहे हैं उनके घरों में जो माताएं बहनें होंगी, उनकी जो बेटियां होंगी, उन सबको संबल मिलेगा, बल मिलेगा। क्योंकि दीदी आपने जो भुगता है ना, वो दुनिया में पृथ्वी पे आपके सिवा कोई और उसको समझ ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अब मैं दिखाता हूँ यूट्यूब जिहाद जो आपने जिक्र किया। दीदी मैं नहीं चाह रहा था कि ये चीजें मैं आपके सामने चैनल पे दिखाऊं, लेकिन क्या करूं, कड़वा दिखाना पड़ेगा ताकि लोग समझे। अपने सगे बेटे को एक माँ के लिए क्या बीतती होगी जब वो अपनी कोख से जन्मे हुए अपने पुत्र को बोलती होगी कि बेटा एक नई क्लिप और डाली है रात को, उसको भी निकालो। और उस बेटे में क्या बीतती होगी जब वो फेक वीडियो, वो फेक फोटोज अपनी सगी माँ की निकाल करके उसको कंपाइल करता होगा। ये कीमत चुकानी पड़ती है धर्म योद्धाओं को मेरे दोस्तों, ये कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरी इस बहन ने अपने गले की चैन को बेच कर वो सारा खेल करा था कि एक महिला का सम्मान बच जाए। वो सम्मान केवल रागिनी तिवारी का नहीं था, वो हर भारत की बेटी के सम्मान के लिए मेरी बहन लड़ रही। आप सिर्फ दीदी को इतना विश्वास दिला दो, हम मांग के लाएंगे, हम लूट के लाएंगे, काकोरी जैसे कांड करके लाएंगे। लेकिन अगर हमारे रहते हुए इस केस में बहन का चेन तो छोड़ो, एक अंगूठी भी बिक गई ना दीपक भाई, तो हमारे पे लानत है। और गारंटी है दीदी, चेन तो बहुत बड़ी बात हो गई, पैर की उंगली का बिछुआ नहीं बिकने देंगे। अब शेर नहीं हो दीदी, और आज आपके साथ में हम खड़े नहीं हुए तो आने वाली बच्चियां भी कहेंगी क्या किया था रागिनी तिवारी के लिए।